सो हे गाइस, दिस इज दुर्गेश दुबे, ओनर एंड द फाउंडर ऑफ इंडियन इथ वॉइस। सो गाइस, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होगा जो सभी को जानना बहुत जरूरी है। तो ऐसा क्या पॉइंट है जो इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है? तो हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बीच जो चल रही है वो लॉकडाउन को लेके। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसके ऊपर आ रहा है? तो अभी हमारे इकोनॉमिक सिस्टम पे आ रहा है इंडिया में। सेकेंड प्रॉब्लम आ रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर। स्टूडेंट्स के ऊपर कैसे प्रॉब्लम आ रहे हैं? जैसे कॉलेजेस और स्टूडेंट, इन दोनों के बीच में एक डिजिटल गैप अभी भी है। डिजिटल इंडिया काफी पहले इंडिया में हो चुका था। डिजिटल रिवॉल्यूशन बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुका था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया नाम का एक कंसेप्ट स्टार्ट किया था, जिसमें बताया था कि इंडिया में सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा, इंटरनेट बैंकिंग होगी, डिजिटल लर्निंग होगी। गाइस, एक डिजिटल रिवॉल्यूशन इंडिया में बहुत पहले ही हो चुका है। डिजिटल इंडिया नाम का कंसेप्ट बहुत पहले ही इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, पर अभी भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल लर्निंग से रिलेटेड बहुत सारे अभी भी प्रॉब्लम हमें पता चल रहे हैं ये लॉकडाउन के आने की वजह से। वो क्या है कि आज से पहले इंडिया में ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन कोचिंग नहीं कराई जाती थी कॉलेजेस और जितने भी स्कूल्स थे। तो ये फर्स्ट टाइम इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको लेके प्रॉब्लम आनी तो पता ही था कि हाँ प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये प्रॉब्लम अभी ऐसी है जहाँ की लोग ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है? तो एक कोलकाता में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता ने एक सर्वे कंडक्ट किया था, एक टीचर ने सर्वे कंडक्ट किया था, छोटा सर्वे है, जहां पे टीचर ने अपने 91 स्टूडेंट्स को पर्सनली कॉल करके पूछा कि उनके पास कैसे सुविधा इंटरनेट की है और वो ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोचिंग कंडक्ट कर रहे हैं, जो वो प्रॉपर बेनिफिशियल है कि नहीं उनको। तो 91 में से 69 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो अपने मतलब स्मार्टफोन पे रिलाए थे 1 GB डेटा पर डे के। इस पे जो डेटा प्लान उनका भी स्मार्टफोन पे 1 GB डेटा पर डे का था, उसमें भी ऑनलाइन वो एजुकेशन नहीं ले सकते। जूम कॉल से नहीं कनेक्ट हो सकते थे, क्योंकि उनको पूरा दिन यूज करना पड़ता था और उनके घर में एक ही स्मार्टफोन थे, किसी के घर में 2 स्मार्टफोन्स थे और उनके पेरेंट्स भी वो स्मार्टफोन लेके कभी कभी अपने ड्यूटी पे चले जाते थे, जिसके वजह से उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और 22 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास, जो पुअर बैकग्राउंड के थे, जिनके पास शायद ही एक स्मार्टफोन होगा, जिसमें भी वो इंटरनेट बड़ी मुश्किल से भरवाते थे। बहुत इंटरनेट सस्ता है, पर अभी भी जैसे जो क्राइसिस चल रहे हैं इसको लेकर लोग मोबाइल इंटरनेट रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वैसे भी हम अगर इंटरनेट पर मंथ की बात करें तो 199 का डेटा प्लान, ऐसा अलग अलग डेटा प्लान तो है, हमें पता है। तो 200 रुपीज का आपको डेटा पैक तो रिचार्ज करना होता है 1 GB डेटा के लिए। तो बहुत जो प्रॉब्लम आ रही है ये डेटा को लेके है और ऊपर से डिजिटल डिवाइसेस को भी लेके। तो अभी जो स्मार्टफोन्स बहुतों के पास नहीं है, वो 22 स्टूडेंट्स ने ये बोला कि हमारे पास स्टूडेंट्स मैम, ये हमारे पास ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, हमारे घर में एक ही स्मार्टफोन है जिसमें भी डेटा नहीं है। तो ऐसा जो प्रॉब्लम है ये कलकत्ता में किया गया था, ये जो सर्वे था ये कलकत्ता में की गई सर्वे थी, जहां पे ये पता चला कि अप्रोक्सीमेटली 30% स्टूडेंट्स के पास, 30-25% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट की सुविधा तो है पर इंटरनेट यूज करने के लिए डिवाइसेस प्रॉपर तरीके से नहीं है, जहां पे वो अपने ऑनलाइन टीचर्स को, ऑनलाइन कॉलेजेस में कनेक्ट कर पाए। तो जैसा कि महाराष्ट्र का सर्वे रिपोर्ट है, महाराष्ट्र की सर्वे रिपोर्ट में हमें ये पता चला है कि जो बच्चे मुंबई में रहते हैं, इनके पास एक्सेस भी है, इनके पास इंटरनेट भी है, इनके पास मोबाइल फोन्स भी है, पर इसमें भी 10-15% कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जिनके पास एक्सेस हर एक चीज का प्रॉपर तरीके से तो नहीं है। ठीक है, बहुतों के पास वाईफाई नहीं है, तो बहुतों के पास लैपटॉप नहीं है। ये तो मुंबई में भी प्रॉब्लम है इस चीज का। और जो बच्चे मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ने भी आए थे, हालांकि मैं मुंबई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं तो मुझे इन प्रॉब्लम्स का फेस मैंने भी किया है, मुझे भी पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है और हमारे एग्जाम्स भी कैंसिल किए जा चुके थे। तो एग्जाम जैसे कि हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग के एग्जाम कैंसिल हुए, तो मैंने थोड़ा एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ा उस टाइम पे, तो उस सर्वे रिपोर्ट में मुझे ये पता चला है कि जो सर्वे की गई थी महाराष्ट्र में, इस सर्वे में अराउंड जो 90% स्टूडेंट है इनके पास तो एक्सेस है, इंटरनेट का एक्सेस भी है और किसी के पास मतलब जो भी इंटरनेट का एक्सेस है ये मोबाइल फोन से रिलेटेड है, पर लैपटॉप सबके पास नहीं है, बहुत के पास तो वाईफाई नहीं है, सिर्फ अपने वो भी 1 GB डेटा, 2 GB डेटा पे ही रिलाय कर रहे स्टूडेंट्स।
और जो बच्चे मुंबई में पढ़ने भी आए थे, हॉस्टल्स में रह रहे थे, वो अपने अपने गांव जा चुके हैं, और अपने अपने गांव जाने के बाद उनके पास वापस यही प्रॉब्लम आ रही है कि वो प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, प्रॉपर उनके पास डेटा अवेलेबल नहीं है प्रॉपर टाइमिंग पे। तो टाइम फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैटर कर रहा है, जो कि इंडियन डिजिटल एजुकेशन को पीछे छोड़ सकता है। तो इसमें प्रॉब्लम्स का हमें सॉल्यूशन भी हमारे पास है, हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करेंगे दिल्ली की सर्वे में, तो दिल्ली में क्या केसेस आ रहे हैं, दिल्ली में अराउंड नॉर्थ दिल्ली की बात करें तो 714 स्कूल्स है जहां से 3.5 लाख स्टूडेंट्स आते हैं, और ईस्ट दिल्ली में अराउंड 364 स्कूल्स है जहां से 1.7 लाख स्टूडेंट्स आते हैं, और साउथ दिल्ली में अराउंड 574 स्कूल्स है जहां से 2.5 लाख स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं। अराउंड 1028 स्कूल्स में से 15.15 लाख स्टूडेंट्स हमें मिले हैं जो दिल्ली के हैं, और पर ये जो रिपोर्ट है इसमें ये पता चलता है कि 1.27 लाख स्टूडेंट्स 12th स्टैंडर्ड के हैं, जो 12th स्टैंडर्ड में है, और उनकी प्रॉपर तरीके से उनका ऑनलाइन कोचिंग भी स्टार्ट की जा चुकी है। ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट तो हो चुका है, और वो घर पे बैठ के जूम कॉल्स के जरिए अपने टीचर से टीचिंग ले पा रहे हैं, वहां से अपने कंसेप्ट क्लियर कर पा रहे हैं। और उसमें जो 8th तक के स्टूडेंट्स हैं, इनकी भी कोचिंग ऑनलाइन स्टार्ट हुई है, पर इसमें प्रॉब्लम्स काफी फेस करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को, जहां पे पेरेंट्स को भी फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि इनके पास भी इंटरनेट की ही प्रॉब्लम है। इंटरनेट तो ठीक है, पर इनके पास डिजिटल डिवाइसेस के प्रॉब्लम है, सबके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, जो पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, और जो जिनके पास इंटरनेट यूज करने का प्रॉपर तरीका नहीं पता, बहुतों को आइडिया नहीं है। तो हमें सबको मिलकर इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हम यूट्यूब पे इस टाइप के वीडियोस बना सकते हैं जहां पे इन सारे चीजों का सॉल्यूशन जल्द से जल्द पता चले। तो हम एक सॉल्यूशन में बात करेंगे, एक प्रॉपर जब पूरा कंसेप्ट मैंने जो देखा, जो मुझे पता चला, इससे मेरे को एक प्रॉपर तरीके का सॉल्यूशन मिला है, और जो बहुत बड़ा एक शायद हो सकता है, और बहुतों के दिमाग में सॉल्यूशन पक्का आया होगा कि क्या हो सकता है। तो हमने जो फेस किया है, जो ऑलराउंड जो कंक्लूड हम करते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम डेटा का आ रहा है, डेटा और डिजिटल डिवाइसेस। तो सबके पास डिजिटल डिवाइसेस अवेलेबल नहीं है हर एक टाइम पे, क्योंकि जिसके पास एक या दो स्मार्टफोन है, उनके पेरेंट्स भी ड्यूटी पे जाते हैं, जब घर पे आते हैं तभी बच्चे उस फोन को यूज कर पाते हैं, उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो हम ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं कर पा रहे हैं, यही प्रॉब्लम है कि लोग प्रॉपर टाइम पे अटेंड नहीं कर पा रहे। ये टाइम बॉन्डेज इससे क्लियर कर सकते हैं। अगर हम कहीं पे जो डेटा का प्रॉब्लम आ रहा है, चलो डेटा के प्रॉब्लम को पहले डिस्कस करते हैं। जो डेटा का प्रॉब्लम है, ये हम जब यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, 1 GB डेटा में हम बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, पर 1 GB डेटा में हम वीडियो कॉल तो नहीं कर सकते बहुत टाइम तक। 1 घंटे आधे घंटे हम वीडियो कॉल पे रहे तो हमारा काफी डेटा कंजप्शन हो जाता है। तो हमें जो यूट्यूब के एल्गोरिदम है, इससे एल्गोरिदम में हमें ये समझ में आता है कि डेटा कम कंजप्शन होता है जब हम वीडियोस कहीं पे अपलोड करें, और उसमें प्रॉपर तरीके से एल्गोरिदम डिजाइन किया गया होगा, तो हमें उस चीज का सॉल्यूशन मिलता है कि डेटा कंजप्शन कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस लेक्चर्स अटेंड कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट को जो भी सॉल्यूशंस है, गवर्नमेंट ने ऐसे साइट्स भी बना रखी है, कुछ सॉफ्टवेयर्स भी है जहां पे वीडियोस स्टूडेंट्स अपलोड टीचर्स अपलोड कर सकते हैं, कॉलेजेस कनेक्ट हो सकते हैं, और स्टूडेंट्स वहां पे जाके देख सकते हैं। तो ऑनलाइन 1-on-1 टीचिंग का तो चांस बहुत ही फेल होता नजर आ रहा है इस जगह पे। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, जो सॉफ्टवेयर बिल्ड करना पड़ेगा, और जो कॉलेजेस है, जो यूनिवर्सिटी है, इनको अपने एप्लीकेशन या फिर अपने एक वेबसाइट ऐसी बिल्ड करनी होगी जहां पे वो अपने वीडियोस अपलोड कर दे, जहां पे अपने असाइनमेंट्स अपलोड कर दे, एक प्रॉपर डेट दे दे जहां पे प्रॉपर असाइनमेंट्स होंगे, और उस डेट को असाइन किए जाएंगे, और यहां पे स्टूडेंट्स को ज्यादा टाइम देना होगा ताकि स्टूडेंट्स के पास टाइम मिले जब वो डेटा अवेलेबल है उनके पास। अगर हम वीडियो कहीं पे अपलोड करके रख देते हैं तो उसको कभी भी किसी भी वक्त लोग जो स्टूडेंट्स है उनको एक आइडिया आप असाइन कर दोगे व्हाट्सएप के थ्रू भी, वो डेटा अगर आप लिंक सेंड कर दोगे तो वो स्टूडेंट्स एक्सेस कर पाएंगे अपने टाइम के हिसाब से। इससे टाइम बॉन्डेज भी हमारा क्लियर होता है। जब बच्चों के पास एक्सेस होगा, हर टाइम पे एक्सेस नहीं होता, तो एक्सेस करने के लिए जो ये पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम डिजिटल डिवाइसेस पे हम ऐसे अपलोड कर दें वीडियोस, अपने ऑनलाइन अपलोड कर दें, या फिर हम यूट्यूब के वीडियोस की जो छोटे मोटे क्लासेस है, ये यूट्यूब पे अपने वीडियोस प्रॉपर तरीके से अपलोड कर दें, और उसमें प्राइवेट का भी ऑप्शन होता है, हम ग्रुप कम्युनिटी बना के भी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है चैनल क्रिएट किया जाए। तो YouTube पे चैनल क्रिएट करके प्राइवेट रख के
हम स्टूडेंट्स को प्रॉपर लिंक सेंड कर सकते हैं, जो हम स्टूडेंट्स को जो हमें रिक्वायर स्टूडेंट है उन प्रॉपर टारगेटेड स्टूडेंट जो हमारे स्टूडेंट्स है वही स्पेसिफिकली उस वीडियो को एक्सेस कर पाए। ऐसे सब सिस्टम्स तो हमें पता ही है यूट्यूब को लेके। वैसे भी और सॉफ्टवेयर बिल्ड करना चाहिए कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज को जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को बहुत ही हेल्प मिलेगी और एग्जाम्स जो कंडक्ट किए जा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, जो गांव जा चुके हैं ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करना मतलब मोस्टली तो इम्पॉसिबल नजर आ रहा है कि बच्चे ऑनलाइन एग्जाम दे सके। क्योंकि मैं बहुत स्टूडेंट्स को ऐसे भी जानता हूं जो अपने घर पे हैं पर उनके पास लैपटॉप नहीं है, उनके पास मोबाइल फोन्स नहीं है, उनके पास इंटरनेट वाईफाई एक्सेस नहीं है। स्मार्टफोन्स घर में दो तीन भले हैं पर उनके पास एक या दो स्मार्टफोन में ही उनके पास जो डेटा है वो यूज कर रहे हैं। तो एग्जाम्स जो लास्ट ईयर के बच्चे हैं तो उसमें भी ये प्रॉब्लम है कि वो प्रॉपर तरीके से नहीं दे पा सकते जब तक उनके पास प्रॉपर डेटा नहीं होगा। क्योंकि जो स्टूडेंट्स अपने गांव जा चुके हैं उनके पास तो प्रॉब्लम ही है, उनके पास तो डेटा है ही नहीं। तो डेटा नहीं है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं से ले लेंगे, एग्जाम्स के डेट पे प्रॉपर तरीके से अरेंज कर लेंगे पर एग्जाम टाइम टू टाइम वो कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। वो अपना टाइम के यहाँ पे टाइम बॉन्डेज भी काफी आने वाला है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। जैसे कि हमने बहुत सारे डेटा पे डिस्कस किया, बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कस किया एजुकेशन सिस्टम को लेके, तो हम अब ये चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लोगों में, अपने फ्रेंड्स में, ताकि इसका सॉल्यूशन निकल के आए। और आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बता भी सकते हैं कि इस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन क्या क्या है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कॉलेजेस में, स्टूडेंट्स ग्रुप में, ताकि लोगों को पता चले कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और वो इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सके। क्योंकि इंडिया में लॉकडाउन काफी टाइम तक रहने वाला है, कोरोना वायरस से जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक हमें इस फेस में रहना होगा, लॉकडाउन के पीरियड में रहना होगा। तब तक के लिए आप सॉल्यूशंस पे ध्यान दीजिए प्रॉब्लम्स को छोड़ के। तो हम प्रॉब्लम्स पे वीडियो जो बनाए हैं इसमें सॉल्यूशन की हमें एक्सपेक्टेशन है कि आप हमें कमेंट में सॉल्यूशन कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। Through the highways, till my shadow turns to sun rays.